हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं लो बीपी के बारे में। लो बीपी यानी निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। जैसे हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोगोनाडिज्म, हाइपरगोनाडिज्म, हाइपोसेंसिटिव, हाइपरसेंसिटिव, उसी तरह से हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। दोस्तों, लो बीपी यानी हाइपोटेंशन हमारे शरीर की वो स्थिति है जब हमारे शरीर में ब्लड की रफ्तार और दबाव सामान्य मात्रा से काफ़ी कम होता है, जिसके कारण सभी महत्वपूर्ण अंगों को पर्याप्त मात्रा में ब्लड, ऑक्सीजन और एनर्जी की सप्लाई पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती, जिसके कारण कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। दोस्तों, हमारे हार्ट से आर्टरीज के द्वारा यानी धमनियों के द्वारा खून पूरे शरीर में पहुंचता है और यही खून वेन्स के द्वारा यानी शिराओं के द्वारा वापस हार्ट को आता है। इस तरह यह सर्कुलेशन लगातार जीवन भर चलता रहता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर हमारे हार्ट द्वारा पंप की गई खून की मात्रा तथा उससे हमारी आर्टरीज की वाल्व पर पड़ने वाले दबाव से नापी जाती है। ब्लड प्रेशर नापने में दो रीडिंग होती है। जो टॉप रीडिंग होती है उससे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, यानी ये उस समय का प्रेशर होता है जिस समय हमारा हार्ट पंप करता है, और जो बॉटम रीडिंग होती है उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये उस समय का प्रेशर होता है जिस समय हमारा हार्टबीट के बीच में रेस्ट करता है। दोस्तों, किसी सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड प्रेशर की सामान्य नाप 120-80 के आसपास होती है। इसका मतलब होता है कि मिलीमीटर मरकरी के अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर हार्टबीट द्वारा पंप होने पर हमारी आर्टरीज की वाल्व पर 120 मिलीमीटर मरकरी का दबाव पड़ता है, या यूँ कहें कि मशीन का पारा 120 मिलीमीटर ऊपर उठ जाता है। और हार्टबीट के दौरान यानी दो हार्टबीट के बीच में जो असर होता है, इसका मतलब होता है कि ये दबाव 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, यानी मशीन का पारा अपने बेस पॉइंट से 80 मिलीमीटर ऊपर उठ जाता है। पर किन्हीं कारणों से यदि ये दबाव कम होने लगे और 90-60 के नीचे जाने लगे, तब इस स्थिति को लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, हमारे हार्ट को ब्रेन को खून पहुंचाने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। यदि हमारे ब्लड में पर्याप्त प्रेशर नहीं होगा तो हमारे ब्रेन को पर्याप्त खून नहीं पहुँचेगा, जिसके कारण हमें चक्कर आ सकता है, हमारा सिर घूमने लग सकता है, या हमें बेहोशी भी आ सकती है, जिसके कारण हम कहीं पर गिर सकते हैं। हाई बीपी की तरह लो बीपी भी बेहद खतरनाक है। जब बीपी काफ़ी लो होता है उस समय हमारे ब्रेन तथा महत्वपूर्ण अंगों को खून की सप्लाई पर्याप्त रूप से नहीं होती, जिसके कारण ये सारे अंग ठीक से काम नहीं कर पाते। दोस्तों, बहुत से लोगों को लो बीपी होने के बावजूद उनमें कोई असामान्य लक्षण नहीं प्रकट होते, यानी मशीन तो बताती है कि लो ब्लड प्रेशर है लेकिन उनमें कोई सामान्य लक्षण नहीं हुआ, अपना कामकाज अच्छे तरह से करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो डॉक्टर लोग हैं वो भी लो बीपी तभी कंफर्म करते हैं जब मशीन भी लो बीपी बताए और लो बीपी के लक्षण भी प्रस्तुत हों, अदरवाइज वो सामान्य स्थिति है। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर में जब हमारे ब्रेन और महत्वपूर्ण अंगों को खून, एनर्जी और ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से नहीं पहुँचता है, तब जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें पहला लक्षण तो यही आता है कि चक्कर आ सकता है या सिर घूमने जैसा महसूस हो सकता है, देर तक बैठ कर उठने में आँखों के आगे अंधेरा छा सकता है या धुंधला दिखाई पड़ सकता है, थकान हरदम बनी रहेगी, नाजिया वोमिटिंग महसूस हो सकती है, यानी आपको उल्टी की आभास हो सकता है कि उल्टी हो जाएगी पर होती नहीं है, कंसंट्रेट करने में परेशानी होती है, यानी जो लोग पढ़ते लिखते हैं उन्हें पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाने में दिक्कत होती है। बुजुर्गों के लिए लो बीपी में कंफ्यूजन हो सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है तथा कमजोर और तेज हार्ट बीट हो सकती है, हाथ पैर ठंडे और चिपचिपे हो सकते हैं, चेहरे का रंग सफ़ेद हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लो बीपी में भूख भी कम लगती है, खून में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जोश और उत्साह में कमी आती है। ब्लड प्रेशर का स्तर सामान्य से काफ़ी नीचे हो जाने पर हमारे तमाम अंगों को खून की सप्लाई पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक या किडनी फेलियर का खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चक्कर आ सकता है, चलते चलते बेहोश होकर गिर सकता है, जिससे सिर में चोट आ सकती है। जिनका बीपी ज़्यादा लो होता है उन्हें ड्राइविंग करने की और काफ़ी ऊँची चढ़ाई चढ़ने की सलाह नहीं दी जाती। दोस्तों, हमारे ब्लड प्रेशर की स्थिति दिन में कई बार बदलती है। लेटे होने पर बीपी की रेट अलग होते हैं, उठने पर अलग होते हैं, रेस्ट की स्थिति में हमारा ब्लड प्रेशर दूसरी रीडिंग देगा और एक्टिविटीज़ के बाद में हमारा ब्लड प्रेशर दूसरी रीडिंग देगा। खाने के पहले, खाने के बाद अलग अलग रीडिंग होगी। रात को सोने पर बीपी का असर सामान्य से सबसे काफ़ी कम होता है और यह उठने पर बढ़ने लगता है। ब्लड प्रेशर में कई कंडीशन जिम्मेदार होती हैं, जैसे बॉडी पॉस्चर है, सांस की गति है, थकान का स्तर है, तनाव का स्तर है, मेहनत करने के बाद और मेहनत करने के पहले की स्थिति है, एक्सरसाइज करने की स्थिति है, या तमाम अंग्रेजी दवाइयों के सेवन करने के बाद की स्थिति है, हम क्या खाते पीते हैं, इस पर भी ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। इससे भी ब्लड प्रेशर कम और ज़्यादा हो सकता है। गर्भावस्था में महिलाओं को सामान्यतः लो बीपी की शिकायत रहती है, क्योंकि उनका जो ब्लड की सप्लाई है वो उनके फीटर्स को भी होती है,
इसलिए उनके शरीर में लो ब्लड प्रेशर की स्थिति रहती है, लेकिन डिलीवरी हो जाने के बाद में इसे फिर से नॉर्मल हो जाए। कुछ हार्ट प्रॉब्लम जैसे ब्रेडीकार्डिया है, ब्रेडीकार्डिया में जो हार्ट बीट है वो धीरे धीरे चलती है, इसमें भी लोगों की शिकायत होती है। हाइपोथायराइड में या लो ब्लड शुगर में यानी हाइपोग्लाइसीमिया में भी ब्लड प्रेशर लो ही रहता है। डिहाइड्रेशन यानी जब कभी शरीर में पानी की कमी अचानक से हो जाए, जैसे उल्टी दस्त की स्थिति में या अधिक पसीना निकल जाने पर या काफ़ी देर तक प्यासा रहने पर भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अधिक ब्लड टास्क की स्थिति में यानी कभी किसी चोट या एक्सीडेंट में काफ़ी खून निकल जाए तो उसमें भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। सीवियर इन्फेक्शन यानी जैसे सेप्टिसीमिया है, कहीं पर बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो रहा है शरीर में, तब भी ब्लड प्रेशर आपका लो रहेगा। या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है जैसे एनाफिलैक्सिस की स्थिति है, तो इसमें भी ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। खाने में पोषक तत्वों की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिसके कारण भी बीपी लो हो सकता है। या जो लोग अधिक व्रत उपवास रखते हैं उनका भी बीपी सामान्य से काफ़ी कम रहता है। तमाम तरह की अंग्रेजी दवाइयाँ जैसे डायबिटिक दवाइयाँ यानी पेशाब बढ़ाने की दवाइयाँ, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, पार्किंसन की दवाइयाँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवाइयाँ, यानी इन दवाइयों से भी ब्लड प्रेशर लो होता है। दोस्तों इतने कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे अगर ये लो ब्लड प्रेशर काफ़ी दिन तक बना रहे, इसमें कोई बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन इसमें कमजोरी महसूस हो सकती है, चक्कर आने से गिरने पर सिर में चोट लग सकती है तथा शरीर के विभिन्न अंगों में अगर लो ब्लड प्रेशर रहेगा तो ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी, जिससे ब्रेन को खतरा हो सकता है, हार्ट को खतरा हो सकता है, किडनीज को खतरा हो सकता है। दोस्तों अब देखते हैं इसे बचाव के क्या तरीके हैं। बचाव के तरीके बहुत सिंपल हैं, अगर इन्हें बचाव के तरीके अपनाए जाएँ तो बिना दवाइयों के ये जो लो ब्लड प्रेशर की स्थिति है सही हो सकती है। तो इसे जो बचाव का तरीका, पहला तो है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें तो खून गाढ़ा होने से बचेगा और आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं। खाने में नमक की मात्रा सामान्य रखें, यानी यदि आप कम नमक लेते हैं तो नमक की मात्रा सामान्य रहेगी, या यूँ कहें थोड़ा नमक बढ़ा लें। यदि आप अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो इसे छोड़ दें। हल्की एक्सरसाइजें जरूर करते रहें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं, यानी मीट्स आपके छोटे छोटे होंगे लेकिन दिन में कई बार होंगे, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाने में आपका जो ब्लड है अच्छा बनेगा और खून की आपूर्ति पूरी होगी, जिससे ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाए। जो एलोपैथी दवाइयाँ आप खा रहे हैं जो आपको लो ब्लड प्रेशर बनाए रख रही हैं, अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें कि जिससे वो दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करेंगे जो लो ब्लड प्रेशर न क्रिएट करें। यदि आपको कोई बीमारी है यानी जैसे हाइपोथायराइड है या हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसका इलाज जरूर कराएं। अगर आप ये साधन अपना लेंगे, ये बचाव के तरीके अपना लेंगे तो आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं इसमें होम्योपैथी दवाइयाँ क्या काम करती हैं। दोस्तों ब्लड प्रेशर लो हो या हाई, इनमें होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, बशर्ते आप अपनी लाइफ स्टाइल जरूर चेंज करें। अगर लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो ये दवाइयाँ आपको हमेशा खानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, इसलिए लाइफ स्टाइल जरूर चेंज करनी है। तो इसमें जो हम दवाइयाँ देते हैं होम्योपैथी में, उसमें जो पहली दवाई होती है वो होती है एंजियोटोन। एंजियोटोन एक ड्राप आती है आधे कप पानी में, इस ड्राप की 20-20 बूंद डाल करके दिन में 3 बार पीना है। इसमें दूसरी दवाई रेक्विक जर्मनी की आती है R44, आधे कप पानी में R44 की 10-10 ड्राप दिन में 3 बार लेनी है। इसमें एक बायोकेमिकल कॉम्बिनेशन देते हैं BC27 की 4-4 गोलियां दिन में 4 बार लेना है। और इसमें एक बहुत इफेक्टिव हम मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन देते हैं, इसमें पहली मदर टिंचर होती है अलियम सटाइवा मदर टिंचर, इसमें दूसरी मदर टिंचर होती है क्रेटिकस मदर टिंचर और तीसरी मदर टिंचर होती है कैक्टस मदर टिंचर। आधे कप पानी में इन तीनों मदर टिंचर की 20-20 बूंद दवा डाल करके दिन में 3 बार लेना है। आप लगातार इन दवाइयों का सेवन करते रहें और जो बचाव के तरीके बताए गए हैं उन्हें अपनाएं तो बहुत जल्दी लो ब्लड प्रेशर की परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों यह था मेरा वीडियो लो ब्लड प्रेशर के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।